Dear students, in this video, we will discuss how to calculate geometric mean with the help of calculator. हम geometric mean find करते हैं दो तरह से. एक simple method होता है geometric mean को find करने का, और हमें पता है एक logarithm method होता है geometric mean को find करने का. तो देखते हैं कि दोनों method से हम geometric mean कैसे easily calculate कर सकते हैं. Let's start विथ क्वेश्चन नंबर वन. हमारे पास फाइव वैल्यूज हैं, 2, 3, 5, 9. फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, हमें इसके ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है. आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने से पहले हमें ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आना चाहिए. हेयर इज द फॉर्मूला. नंबर ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे एंथ रूट आएगा, एंथ रूट आएगा, और जितने भी एक्स की वैल्यूज होंगे उनसे आपको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह के हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे सबसे पहले हम फोर्थ रूट लेंगे. तो फोर्थ रूट लिया, 2, 3, 5, 9, चारों को मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास ये आराम सुकून से आंसर आ गया 4.05. ठीक, अभी 4.05 को हम कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं इसको. हमारे पास ये कैलकुलेटर है, ठीक है जी. तो सबसे पहले मुझे ये रूट का बटन दबाना है, तो मुझे रूट बनाना है. तो रूट शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये वाला पावर वाला बटन प्रेस करेंगे. तो यहाँ पे देखें, ये जो सिंबल है ये रूट का सिंबल है, तो हमने यहाँ पे रूट बना लिया. तो कितनी वैल्यूज है, 4. तो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया और डाउन एरो प्रेस किया, ठीक है जी. अच्छा जी, तो राइट एरो प्रेस किया तो मैं इन हो गया और मुझे 2 × 3 × 5 × 9, और जैसे मैंने क्लिक किया फोरन मेरे पास आंसर आ गया 4.053, और यहाँ पे भी 4.053 होगा, ठीक है जी. तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से. और मैक्सिमम हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरा ख्याल है कि 10 to 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है. तो एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेगा टाइम सेव करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही क्वेश्चन होगा लेकिन हम लॉग मेथड से देखते हैं कि लॉगरिथम मेथड से यही क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा. लॉगरिथम मेथड में जो ज्योमेट्रिक उनका फॉर्मूला यूज करेंगे वो एंटी लॉग इनटू समेशन लॉग एक्स ओवर एन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है जी. अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम एंटी लॉग लेंगे, फिर लॉग एक्स लेंगे, लॉग एक्स को क्या करेंगे, सम करेंगे, उसको एन से डिवाइड करेंगे और इस पूरी ब्रैकेट का फिर एंटी लॉग ले लेंगे, तो जीएम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी. जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन था एक्स 2, 3, 5, 9, तो सबसे पहले हमने इसका लॉग एक्स लिया, दिस इज द मैनुअल क्वेश्चन. तो लॉग ऑफ 2 ये आ गया, लॉग ऑफ 3.4771, इस तरह लॉग ऑफ 5.6990, लॉग ऑफ 9.9542, और लॉग एक्स का जब सम किया तो 2.4313, तो ये मेरे पास समेशन लॉग एक्स आ गया, दिस इज समेशन लॉग एक्स. तो समेशन लॉग एक्स आ गया 2.4313. व्हाट इज एन, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी, 4. तो 4 से डिवाइड किया, इस सारे आंसर का हमने क्या किया, एंटी लॉग लिया होगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया 4.03, जो कि अभी हमने सिंपल मेथड से जब कैलकुलेशन की थी तब भी हमारा आंसर 4.05 ही आया था, ठीक है जी. अच्छा, अब देखते हैं कि लॉग वाला, ये तो हमने मैनुअल तरीके से किया, हम देखते हैं कि ये लॉग वाला कैलकुलेटर से कैसे आता है, देखते हैं जरा, ठीक है जी. अच्छा जी, इसको सारे वेरीज कर लेते हैं. अब जो ये फॉर्मूला लिखा है, मैं यही फॉर्मूला अपने कैलकुलेटर पे बनाऊंगा. तो सबसे पहले मैं कैलकुलेटर पे एंटी लॉग बनाऊंगा, कैसे, शिफ्ट लॉग. तो शिफ्ट का बटन प्रेस किया और ये आपने लॉग का बटन प्रेस कर दिया, ये लॉग का, तो शिफ्ट लॉग बन गया. फिर उसके बाद क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, मैंने भी स्मॉल ब्रैकेट लगा ली. फॉर्मूला फ्रैक्शन की फॉर्म में, हमने फ्रैक्शन का बटन प्रेस कर लिया. अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है लॉग एक्स लेते जाएं साथ साथ उनको ऐड करते जाएं, ठीक है. तो हम कर लेंगे लॉग ऑफ 2, तो हमने किया लॉग ऑफ 2. याद रखिएगा कैलकुलेटर एक ब्रैकेट लगाएगा, दूसरी ब्रैकेट हमें खुद क्लोज करनी पड़ेगी. ये देखिए क्लोज कर दी मैंने, प्लस लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस लॉग ऑफ 5, नेक्स्ट वैल्यू लॉग ऑफ 5 है, लॉग ऑफ 5 ब्रैकेट क्लोज, द लास्ट वैल्यू लॉग ऑफ 9, प्लस लॉग ऑफ 9, ठीक. डिनोमिनेटर में आ जाएंगे,
डाउन एरो प्रेस किया, नंबर ऑफ वैल्यूज, तो हमारे पास n फोर वैल्यूज है, तो यहाँ पे हमने फोर प्रेस कर दिया, राइट की प्रेस की, ब्रैकेट क्लोज कर दी, जैसे इक्वल का बटन प्रेस किया, हमारे पास एग्जैक्ट वही आंसर आ गया जो हम पहले मैनुअल कैलकुलेट कर चुके थे, 4.053, और यहाँ पे भी आ गया 4.053, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया, हमारे पास ये एक्स है, ये हमारे पास एफ है। अगर फ्रीक्वेंसी में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना पड़ जाए, सबसे पहले सिंपल मेथड से देखते हैं। सिंपल मेथड का फॉर्मूला हमारे पास, अच्छा ये चले लॉग वाला आ गया, पहले सिंपल वाला सवाल क्वेश्चन देख लेते हैं, चले सिंपल वाला इधर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, खैर ये दिस इज ए सिंपल मेथड, नॉट लॉगरिथम मेथड, इसको फिलहाल सिंपल कर लें आप, ये सिंपल ही आपका, ठीक है, सिंपल मेथड। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला इन सिंपल, समीशन एफ रूट एक्स वन की पावर एफ वन मल्टीप्लाई बाई एक्स टू की पावर एफ टू एंड सो ऑन, ठीक है जी। हमारे पास नंबर ऑफ एक्सीडेंट यहाँ पर एज एन एक्स की वैल्यू के तौर पर आ रहे हैं, और हमारे पास ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, समीशन एफ रूट लिया, फिर एक्स वन की पावर एफ वन किया, यानी कि ये हमारे पास सारा के सारा प्रोग्राम होगा। व्हाट इज समीशन एफ, आपको पता है 4 + 8 + 2 दैट इज 14, तो समीशन एफ आ गया हमारे पास 14। फिर एक्स वन की पावर एफ वन, दिस इज एक्स वन, दिस इज एफ वन, तो 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, एंड हियर इज आवर आंसर 1.7385। अब देखते हैं कैलकुलेटर से हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी, कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। तो कैलकुलेटर से फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे रूट का बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो हमने शिफ्ट के बाद ये बनाया। व्हाट इज समीशन एफ, 14, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 14, 1 4, ठीक है। तो राइट की प्रेस की, फिर एक्स वन की पावर एफ वन, यानी कि 1, दिस इज द पावर बटन, 1 to raise power 4, उसके बाद राइट की प्रेस किया, मल्टीप्लाई बाय 2 raise power 8, राइट की प्रेस किया, मल्टीप्लाई बाय 3 to raise power 2, तो जैसे हमने इक्वल का बटन प्रेस किया हमारे पास आ गया 1.7385, तो 1.7385 एग्जैक्ट हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज द सिंपल मेथड, ठीक है। अब हम इसका लॉगरिथम मेथड देते हैं इसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, तो प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास ये था, ठीक है, इनको जरा इरेज कर लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज एक्स, दिस इज एफ, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्योमेट्रिक मीन का, लेकिन लॉगरिथम मेथड से। जब हम लॉगरिथम मेथड से यूज करेंगे तो हमें एंटी लॉग समीशन एफ इनटू लॉग एक्स, अब एफ को लॉग एक्स से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम करेंगे, फिर समीशन एफ लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एफ और लॉग एक्स को मल्टीप्लाई किया, एफ लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर इज 0, लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर इज 2.4082, लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 0.9542, सबको सम किया तो समीशन एफ लॉग एक्स 3.3624 आ गया, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया 3.3624, इसको क्या किया, समीशन एफ, और आपको बताया 482 समीशन एफ 14 हुआ। हमने क्या किया, इस सारे का एंटी लॉग लिया, जब इस सारे का एंटी लॉग लिया तो हमारे पास आंसर 1.7385 आया। अब देखते हैं ये हम कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले यूजर एंटी लॉग बनाना है, शिफ्ट लॉग प्रेस किया, स्मॉल ब्रैकेट फ्रैक्शन, अब यहां पे हम रुकेंगे, हम लॉग एक्स लेंगे और साथ एफ को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है जी। तो एफ कितना, 4 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ एक्स, यानी कि लॉग ऑफ 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 1, ब्रैकेट क्लोज, साथ साथ सम भी करना है हमने, तो हम ऐड करते रहेंगे, प्लस नेक्स्ट एफ कितना है, नेक्स्ट एफ 8 लॉग ऑफ 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 3, ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड किसे करना, समीशन एफ, तो समीशन एफ कितना है, 14,
तो हम डिवाइड कर देंगे 1414 से, राइट ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही हमने इक्वल का बटन प्रेस किया 1.7385 आ गया, जो कि मैन विल बी 1.7385। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन लम्हों में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।